Today on the Magnifying Glass, we take a different turn and talk with Eastern classical singer Ezaz Sohail. Ezaz is a trained singer in the classical genre who recently appeared on Coke Studio as well. Listen as we talk about Eastern classical music, his training, and future ventures. Let's meet Ezaz. Assalamu alaikum. Today we are here with Ezaz Sohail. He's an Eastern classical singer who just appeared on Coke Studio as well. And today we will talk about Eastern music with Ezaz. Let's put him under the magnifying glass. How are you today? बिल्कुल ठीक. आप कैसे? मैं ठीक हूँ. आपसे मैं बात करने से चाह रहा था क्योंकि मैं यूजुअली बैंड म्यूजिक और रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, तो मैं आपसे मैं ज्यादा ईस्टर्न म्यूजिक बारे में सीखना चाह रहा था. तो मेरा पहला सवाल है कि आपने ईस्टर्न म्यूजिक की तरफ कैसे आए थे और कैसे स्टार्ट हुआ था सब? तो बेसिकली अगर मतलब ये सवाल इस तरह से पूछा जाए कि म्यूजिक की तरफ, ईस्टर्न म्यूजिक की तरफ तो बाद में लागू हुआ था. म्यूजिक की तरफ बेसिकली वालदा की वजह से आया था, बिकॉज माय मदर हैड अ रियली गुड वॉइस और उन्होंने बेसिकली मेरी ट्रेनिंग का आगाज किया. और बाद में फिर बहुत सारे टीचर्स मेरे इस इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में शामिल हुए, जिनमें तीन आसानी साहिबा हैं, उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब हैं, फिर उस्ताद फहीम अजहर हैं. देन आई ऑल्सो एक्वायर्ड acquiring taleem from India as well, जिसमें कि मेरे टीचर्स जो हैं फ्रॉम कोलकाता, पंडित अजय चक्रवर्ती एंड हिज डिसाइपल्स अनोल चैटर्जी एंड बृजेश्वर मुखर्जी. आई वुड से क्लासिकल की तरफ जो है मैं प्रॉपरली आया इन द ईयर 2011, प्योर क्लासिकल की तरफ. और उसमें एक साल तकरीबन अब्दुल रऊफ साहब के साथ मैं ज़ेर तालीम रहा. और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर साल एक काफ़ी बड़ी क्लासिकल का महफिल मुनक़द की जाती है, जिसे हम फुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस कहते हैं. तो उसमें आए गॉट द गोल्ड मेडल और फिर वहाँ से मेरा क्लासिकल का जो है वो सफ़र शुरू हुआ. रियलिटी शो में गाने का मौका मिला, टीवी में काफ़ी काम किया और वहाँ से जो है आई थिंक आई वुड से कि क्लासिकल का मेरा जो है वो जर्नी प्रॉपर शुरू हुआ. ठीक है, तो आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बताएं. ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, किसने किया आपको ट्रेन, और ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? आप ट्रेनिंग के बगैर भी आप ईस्टर्न सिंगर बन सकते हैं या नहीं, तो उसकी इम्पोर्टेंस का भी बताएं. अब देखें, होता बेसिकली ऐसे है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हर उस चीज का ख्याल रखते हैं कि जिसके अंदर कोई फिजिकल हर्ट इन्वॉल्व ना हो. जैसे कि अगर न्यू बॉर्न बेबी है, वो चलना शुरू करता है, पहले कदम उसमें रखता है, तो हम उसका हाथ थाम लेते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए. लेकिन म्यूजिक में बिकॉज उस तरह से हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि एक टीचर की मौजूदगी ना होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, तो बाय द टाइम हम एक प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं, तो बहुत कुछ अनडू करना पड़ता है. मेरे ख्याल में बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है नए सिर से. और एक मेरे ख्याल में जितनी एज गुजरती जाती है उतना अनलर्न करना मुश्किल होता जाता है आपके लिए. अर्ली बच्चों को 7 साल की उम्र से ही मौसीकी की तालीम जो है वो शुरू करवा दी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि एक फ्रेश दिमाग से जब तक वो एक मेच्योरिटी के स्टेज में आते हैं, म्यूजिक की काफ़ी सारी चीज़ें उनके जहन में क्लियर हो जाती हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत से क्या कहते हैं पाकिस्तानी फैमिलीज में एंड बहुत सी दूसरी फैमिलीज में सिस्टम ये होता है कि बच्चा नॉर्मली एजुकेशन मुकम्मल कर ले अपने, उसके बाद फिर अपने शौक को पूरा करे. आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है. तो टीचर की इम्पोर्टेंस ऐसी कि वो शुरू से, जैसे हम अपनी एजुकेशन में टीचर्स अच्छे टीचर्स को प्रेफर करते हैं, उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि म्यूजिक को भी लाइट ना लिया जाए. म्यूजिक के लिए भी आप शुरू से ही कोई अच्छा गुरु या उस्ताद जो है उसको डिप्लॉय करें, ताकि वो आपको दे सके, आपको सिखा सके.
तो आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा था और किसने आपको ट्रेन किया। एक्चुअली मैंने बहुत सारे टीचर्स का नाम लिया आपके सामने पहले भी, देव ऑल बीन ट्रेनिंग मी, पर आई वुड से माय मदर बीइंग माय फर्स्ट टीचर एट द एज ऑफ 4.5 इयर्स मैंने शुरू किया। क्या कहते हैं, उसके बाद फिर तीन आसानी साहिबा से भी तालीम हासिल करता रहा। उन्होंने बेसिकली मुझे प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी और लेकर के काफ़ी सारे बुनियादी टिप्स भी दिए। एक कॉन्सर्ट पे हमने करके परफॉर्म भी किया, इट वाज अ फंडरेजर फॉर सुनामी विक्टिम्स। और इसके बाद फिर जो है अब्दुल रऊफ साहब से तालीम का सिलसिला रहा। तालीम जो क्लासिकल की जब मेरी शुरू हुई तो मुझे काफ़ी कुछ से सीखने का मौका मिला कि किस तरह से असातिज़ा का अदब किया जाता है, अदब किस तरह से तबीयत में शामिल किया जाए कि वो एक आपको बेहतर इंसान भी बना सके और आपकी मौसीकी को भी ओवरऑल इम्प्रूव कर सके। तो आई थिंक हम जो हमारी नई जनरेशन है वो इस पर्क्स के बारे में अवेयर ही नहीं है कि जो टीचर की जिंदगी में होने से इंसान की रोनमा होते हैं। तो वो बड़ी क्या कहेंगे उसको, वे बाकी से कहते हैं कि वी आर सेल्फ टॉट, वी आर सेल्फ लर्न। तो आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ टॉट एंड सेल्फ लर्न। कोई भी आपकी एबिलिटी हो उसको पॉलिश करने के लिए एबल लोगों की जरूरत पड़ती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, ड्यूरिंग माई तालीम विद माई टीचर्स मैंने उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप क्वेश्चन नहीं करते अपने टीचर्स को तो बहुत सारे आई थिंक जो सवाल हैं उनके जवाब आपको इन द फ्यूचर जाके मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सी दुआएं जो हैं जो आपकी आपको कबूल होती नजर नहीं आ रही होती वो आपको बाद में उसका उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक आई बिलीव ये बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। आप टीचर्स को क्वेश्चन ना करें अगर आप उन्हें बिलीव करते हैं तो, बिकॉज आफ्टर ऑल आप आउट ऑफ द वे जाएंगे, यू सिलेक्टेड देम, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू शो दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीव। एंड आई थिंक गॉड पेव्स वेज एंड पेव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ओके ठीक है। अक्सर ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में बास टर्म्स हम सुन रहे होते हैं, मैंने खुद भी सुनी है लेकिन प्रॉपर मीनिंग्स का नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल राग होती है, फिर थाट होती है, बंडिश होती है, तो ये कॉमन मेन स्ट्रीम में भी ये लफ्ज़ ईस्टर्न क्लासिकल में यूज, जो क्लासिकल म्यूजिक फॉलो भी नहीं कर, जैसे मैं नहीं फॉलो करता लेकिन मुझे भी इन चीज़ों को पता है, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लें कि ये चीजें क्या होती हैं। तो बेसिकली आपने तीन अल्फाज जो हैं क्या उनको इस्तेमाल किए, आपने कहा है राग, थाट और बंदिश। मैं आपको इसका मैथमेटिकल तरीके से जवाब देता हूँ क्योंकि मैं खुद ही इंजीनियर हूँ तो मैं समझता हूँ जरा मैथमेटिक्स से समझाना थोड़ा सा। आपने एक मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी है जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि एक लार्जर पिक्चर के अंदर आप एक स्मॉलर पर्सपेक्टिव को आउट करने की कोशिश करें, उसको हम बेसिकली वेन डायग्राम कहते हैं। अब क्या है कि जो ठाट है ना उसको आप समझे कि वो एक पेरेंट है, ठीक है। अब जो पेरेंट होता है उसके अंदर वो तमाम खसूसियात होती है जो कि क्या कहते हैं एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आपको मिलती है। इसी तरह जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट से कुछ क्वालिटीज एग्जिबिट करता है, जी। सारी की सारी क्वालिटीज लेकिन पेरेंट की कुछ क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे बच्चे होते हैं उनकी शक्ल कभी कभी माँ पे होती है, कभी बाप पे होती है, या सर्टन फेशियल फीचर्स होते हैं। तो राग जो है इन एन इम्पोर्टेंट सेंस वो एक चाइल्ड है और हार्ट जो है वो पेरेंट है। तो द बिगर सर्कल इज द हार्ट and within the smaller circle is the rag for the Venn diagram. अब क्या है कि राग के अंदर बुनियादी तौर पे हमारे पास एक skeletal structure होता है। skeletal structure यानी कि आप उस राग में ascend कैसे करेंगे, उस राग में descend कैसे करेंगे, आप उस thought में ascend कैसे करेंगे, descend कैसे करेंगे, यानी कि सुरों का आना और जाना, इसको हम कहते हैं आरो और अवरो। Going up in notes and going down in notes. ठीक है। आरओ एंड अवरो,
अब होता क्या है कि आरोहण अवरोह में एक खास नंबर ऑफ नोट्स हो तो वो ठाट बन जाता है. जैसे कि इफ यू हैव सेवन नोट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड सेवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर देन यू गेट द पैरम, इसको हम ठाट कहते हैं. ठाट के अंदर हमेशा दोनों को ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 14 बनते हैं, 7-7. तो ठाट के अंदर दे विल ऑलवेज बी एन टोटल नंबर ऑफ 14 नोट्स, यानी कि असेंड और डिसेंड बताते हैं टोटल नोट्स 14 होंगे. लेकिन राग में क्योंकि मैंने कहा इट एब्जॉर्ब्स सर्टेन क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट, तो राग में आप टोटल नंबर ऑफ नोट्स वेरिएट कर सकते हैं. ये 10 मिनिमम होंगे और मैक्सिमम 13 हो सकते हैं, बट 14 कभी नहीं. तो 10 नोट्स इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से लेके 13 नोट्स टुगेदर इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी यू कैन हैव अ टोटल ऑफ 5 नोट्स इन द असेंड, 5 इन द डिसेंड. You can have a total of 5 in the ascent, 6 in the descent. So you can have 5-5, 5-6, 6-7, maximum 7-7 कभी भी नहीं होगा. 7-7 means के वो pairing बन जाएगा. तो ये हो गया राग और ठाट. अब आपने कहा थी बंदिश के बारे में बताइए. तो अब एक important बात जो मैं इसमें बताना आपको भूल गया वो ये है कि जो राग है वो हमेशा ठाट में से कुछ सुरों को लेकर के combinations बनाता है, सारे के सारे नहीं, कुछ सुरों को लेकर. इसीलिए मैंने कहा कि 10-13 होते हैं, 14 कभी भी नहीं होंगे क्योंकि वो पेरेंट होता है कंप्लीट पैकेज के साथ. तो ठाट की जो खुशबू है वो आपको राग में भी नजर आएगी, बिकॉज उसी की ऑफशूट है ना. जी जी जी. इन द सेम वे आपने बंदिश का सवाल किया, तो बंदिश बेसिकली एक हम फिक्स्ड कॉम्पोजिशन को कहते हैं. जैसे कि आप कोई भी गाना गाते हैं वो एक कॉम्पोजिशनली फिक्स्ड होता है, यानी इसमें ये सुर लगेंगे. इसमें अगर कोई तबला की बीट बजेगी तो वो बीट पैटर्न फॉलो करेगा गाना. ठीक है, इसी तरह से बंदिश भी क्लासिकल में ऐसी कॉम्पोजिशन को कहते हैं जो कि राग और ताल के असूलों को फॉलो करके बनी हुई हो. यानी उसमें फ्लेवर क्या होगा, उसमें सुर कौन कौन से होंगे, नंबर 1 वो डिफाइन हो जाएगा, नंबर 2 उसमें बीट पैटर्न क्या फॉलो होगा, क्योंकि दो चीजें होते हैं बुनियादी तौर पर, सुर और लय, यानी कि बीट एंड मेलोडी. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इनको लॉक करके जो चीज सामने आती है उसे हम बंदिश कहते हैं. अब बंदिश जो है इसका इंतखाब किसी भी जबान में हो सकता है. नॉर्मली क्लासिकल बंदिश जब गाई जाती है तो उसमें पुरानी हिंदी, संस्कृत और पूर्वी के अल्फाज आपको मिलते हैं, और लेकिन बंदिश जो नई एज की बन रही है या निस्बतन मॉडर्न है वो आपको पंजाबी जबान में भी मिल सकती है, और कभी कभी उनमें कुछ अल्फाज उर्दू के भी होते हैं. लेकिन नॉर्मली 90% ऑफ द कंटेंट इज बेस्ड इन पूर्वी, ओल्ड हिंदी एंड संस्कृत. ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये पूरा टॉपिक. तो आपसे आगे पूछना है कि ईस्टर्न म्यूजिक इन योर ओपिनियन ये थोड़ा हमारी सोसाइटी में, कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में is it dying or not? अगर if it is, if you think you वो वाला level नहीं रहा जो पहले होता था, how can we revive that? I don't think it's dying. I think it's only changing its form and the way people are perceiving. Evolution हो रही है. Evolution हो रही है. हर art form की तरह. But the beautiful thing about classical is कि एक राग जो कई साल पहले गाया जाता था वो उन्हीं grammatical principles के साथ अभी भी वैसे ही गाया जा रहा है. नहीं है कि बाकी म्यूजिक फॉर्म्स की तरह राग जो है उसकी शक्ल बदल गई. अब नेमन दरबारी, मालकोस, ये जितने भी इस तरह के राग हैं, व्हाटएवर, वो जो कुछ साल पहले जैसे गाए जाते थे कि वक्त बदल गया लेकिन काम वही है. द ओनली डिफरेंस इज कि अब क्लासिकल को थोड़ा सा मॉडर्न फ्लेवर में शुगर कोट करके प्रेजेंट किया जा रहा है सुनने वालों को, ताकि वो इसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में पेश किया जा रहा है ताकि वो इसको अप्रिशिएट कर सकें. और मैं ये समझता हूँ कि मैं क्योंकि एक टीचर भी हूँ और बहुत से लोगों को सिखाता भी, तो सिखाने का जो इम्पोर्टेंस है वो आप किसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आप एक अच्छा सिंगर ना प्रोड्यूस कर सकें लेकिन आप अच्छा सुनकार ज़रूर बना देते हैं, अच्छा सुनने वाला ज़रूर बना देते. एंड आई थिंक ये इक्वेशन हैंड इन हैंड जाती है. अगर अच्छे सुनने वाले मौजूद नहीं होंगे तो अच्छे गाने वाले किनको सुनाएंगे. तो आई थिंक ट्रेनिंग के
का जो है वो ड्यूअल इम्पोर्टेंस है, एक है कि यू आर क्रिएटिंग गुड बिजनेस एंड इफ नॉट गुड परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट यू आर गिविंग द सोसाइटी द इंडस्ट्री गुड लिसनर्स जो कि क्लासिकल म्यूजिक की प्रोपगेशन को सपोर्ट करती है, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है. So I think anybody who's playing their part as a teacher, as a performer, they all add to it. ठीक है. ये बताएं कि आपको क्या opinion है कि Eastern classical और Western music का अक्सर आजकल बहुत fusion हो रही होती है. तो आपके इस बारे में क्या opinion है? मेरा opinion ये है कि एक classical singer बहुत tough training से होकर के गुजरता है और वो बाहर आता है. और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका म्यूजिक अप्रिशिएट करें, उसको सुने, तो बाकी सारे म्यूजिकल फॉर्म जॉनर्स की एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करना, उनके साथ मिलकर के काम करना बहुत ज़रूरी है आपके काम की नशोनुमा के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए. मैं ये बहुत से इंटरव्यूज पे बहुत दफ़े कह चुका हूँ कि अगर कोई शख्स आपके पास आके आपको पूछता है कि आप पिंक फ्लॉयड सुनते हैं ना, और कहते हैं कि मैं नहीं सुनता, तो ऑफ कोर्स आप अपने म्यूजिक को लिमिट करें, क्योंकि वो भी आपको यही जवाब देगा कि ठीक है मैं भी क्लासिकल नहीं सुनता. तो आई थिंक क्योंकि आप जब मिलकर के वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ काम करते हैं, आप फ्यूजन करते हैं, एक क्लासिकल म्यूजिशियन सारी उम्र तबले के साथ गाने का आदि होता है, जब वो ड्रम्स के साथ गाते हैं तो उसमें उसकी बहुत सारी लर्निंग होती है. आई थिंक मिलजुल के दूसरों के साथ काम करना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ वो आपसे सीखेंगे. इसी तरह से नॉलेज जो है वो फैलती है, स्प्रेड होती है, एक अच्छी चीज़ सामने आती है. एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं हमारे लेजेंड्स की, बड़े बड़े फनकारों जिनमें उस्ताद नुसरत अली खान साहब का नाम सर फहरिस्त है और इस कोलैबोरेशन विद जर्मन आर्टिस्ट. और इसी तरह से मैंने भी रिसेंटली अभी इंशाल्लाह कोक किया, कोक के बाद बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ क्लासिकल को फ्यूज किया है, फिर सूफी म्यूजिक भी किया है. तो आई थिंक बहुत से सरप्राइजेज हैं मेरे सुनने वालों के लिए जो कि रिलीज होंगे इंशाल्लाह. नया म्यूजिक भी आ रहा है जिसमें एक बहुत डिफरेंट डिवर्स फ्लेवर से आपको क्लासिकल जो है वो सुनने को मिलेगा. ठीक है. कोक स्टूडियो की आपने बात की थी, वो कोक स्टूडियो के पास सारा एक एक्सपीरियंस आप बताएं, और ये भी बताएं कि जो मैं गाना था वो मैं पढ़ रहा था कि वो मानसून के बारे में, तो उसके क्रिएशन प्रोसेस भी बताएं, और गाने का जो कॉन्सेप्ट है या पैगाम है उसके बारे में भी बताएं. सवाल का जवाब अगर मेरे ख्याल में दूँ तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समराइज करके बताने की. मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ. मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अगर कोक स्टूडियो में गाने का मौका मिले, तो आई होप इट पे शुड बी अंडर सर रोहेल हयात एज अ प्रोड्यूसर. रोहेल सर की सबसे अच्छी बात है कि ही नेवर प्रेशराइज़ेस एनी आर्टिस्ट के आप ने इस तरह से एक चीज को करना है. आई थिंक ही इज वेरी वेरी ओपन के एक आर्टिस्ट अपना एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस लेके आते हैं और वो उसी को सजाते हैं, उसी को एनलाइटन करते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं. एंड ही डज नॉट बाउ डाउन टू एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनीबडी. अपने तरीके से अपनी मर्जी से काम करने वाले शख्स हैं जो कि आर्टिस्ट को एक बहुत क्रिएटिव मार्जिन देते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए. तो आई थिंक इस सीजन में उन्होंने आई थिंक मुझे बहुत अकोमोडेट किया, मुझे अंडरस्टैंड किया मेरे प्रोसेस को, प्रोसीजर को काम करने के, और खुद भी उसको बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि गाने को सजाया. मैं अच्छी को यही कह रहा हूँ कि जो मेरा गाना है मैं उसको अपना गाना तो नहीं कहूँगा, इसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, जो भी वीडियोग्राफर हैं, ऑडियो इंजीनियर हैं, रोहिल फेरिकल, मेरे ख्याल में 80% काम तो इन लोगों ने किया, मैं तो एक फिंगर के तौर पे एक छोटा सा हिस्सा हूँ गाने का. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इस बात को समझें कि एक गाना सिर्फ तो सिंगर की वजह से नहीं होता, गाना बहुत से लोगों से मिल करके बनता है. अगर सिंगर अच्छा है तो सारे एलिमेंट्स आप रिमूव कर दें गाने में, इस बार फिर सिंगर पे कहीं का असर पैदा कर दे वो नहीं होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी इन दिस प्रोसेस, उनको उनका ड्यू शेयर मिले. एंड आई थिंक तभी एक बैलेंस क्रिएट होता है सिस्टम में कि जिसमें सिंगर को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितना उसके साथ एकम्पनिंग म्यूजिशियंस को दी जानी चाहिए
सिंगर को अच्छे से लाइम लाइट पे आई डोंट थिंक लाने की जरूरत थी, सबको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. तो आई थिंक इस प्रोसेस में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये सीजन कोविड की वजह से हम SOPs फॉलो कर रहे थे और ये बन रहा था. तो में बहुत ज़्यादा टाइम मिला रोडियल सर के साथ वक्त गुजारने का, उनका उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का. एंड नॉट ओनली डिड वी डिस्कस वर्क लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड आवर पर्सनल टेस्ट्स इन म्यूजिक, इन सब चीज़ों ने जो है वो एक अच्छे आई थिंक जैमिंग सेशन को प्रमोट किया, बिकॉज हमने एक दूसरे की तबीयत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा. और मेड एज अ ट्रैक आई वुड बिलीव बिल्कुल आपने कहा कि मानसून का राग बारिश को लेकर के आता है, और मेड का मैंने जब जिक्र किया पहले भी मैंने बताया कि ये राग जो है बेसिकली ये बारिश को बुलाने के लिए जो है ये बनाया जाता है. हमने बेसिकली बहुत से रागों पर हमने जाम किया, लेकिन आखिर में ये राग जो है ये शॉर्टलिस्ट किया, बिकॉज इसके बड़े मजे के कॉम्बिनेशन बनते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में. बड़ी एक लूजी सी फील है विद कनेक्ट विद पीपल, वेरी वेरी नेचुरल कामिंग ऑरा जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं. जब मैंने इस आइटम को रिकॉर्ड किया तब मेरे पास सिर्फ तबला और तानपुरा था इलेक्ट्रॉनिक, और बाद में ये जो मैजिक किया गया ये तो मेरे सामने कब आएगा एपिसोड रिलीज हुआ, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है किस तरह से हो रहा है. तो आई वाज एक्साइटेड एज द जनरल पब्लिक ये सुनने के लिए कि माय व्हाट हैज बिकम ऑफ माय क्राफ्ट. एंड ऑफ कोर्स जब बाहर आया तो आई वाज ब्लोन अवे बाय द सुपीरियर अरेंजमेंट्स, और सब कुछ इतना यू नो सुकून से एग्जीक्यूट किया गया कि नथिंग वाज ओवरपावरिंग द वोकल्स. एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बड़ी खूबसूरत ऑरा में आपको सुकून पहुंचाने के लिए आई थिंक बनाई गई. तो आई थिंक आई एम रियली लिटरली ब्लेस्ड कि किसी शख्स को सुन के इसको नींद भी आ जाती है. तो मैं कहूँगा दैट इज स्टिल अ विन विन सिचुएशन फॉर मी. आजकल किसी की जिंदगी में सुकून कायम कर देना मौसीकी के जरिए ये भी एक मैं कहूँगा अचीवमेंट है, बिकॉज इतना मुश्किल ये साल रहा है लोगों के लिए पेंडेमिक की वजह से, वी लॉस्ट सो मच. तो आप अपना थोड़ा सा भी पार्ट प्ले कर सकें लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए तो आई थिंक ये सत्ता जारिया से कम नहीं है. ठीक है, मुगले फंक पे आते हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, हाउ डिड यू मीट एंड मुलाकात कैसे हुई, और आप मुगले फंक का म्यूजिक टिपिकली नॉन वोकल होता है तो अब लाइव शोज में वोकल्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? अच्छा, मुगले फंक तो खैर बाद में बने, मुगले फंक के मेंबर्स को मैं बहुत पहले से जानता था, साथ काम किया. तो बैंड तो बाद में बना, मेंबर्स के साथ बहुत पहले की दोस्ती थी. कुछ मेंबर्स से मेरी गलती शो पे मुलाकात हुई. राकेश जमीन साहब को मैं पहले से जानता था, उनके साथ तकरीबन अब काम करते 7-8 साल हो चुके. So this is the kind of bond we had. We were really good friends. We still are. काम करते हैं इकट्ठे, और ऐसा नहीं कि मुगले फंक में वोकल म्यूजिक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एल्बम जो रिलीज हुआ है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, वोकल एल्बम हमारा बन चुका है ऑलरेडी, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है. तो वी आर होपिंग 2021 में इंशाल्लाह द वोकल एल्बम विल कम आउट. तो जो लाइव शोज होते हैं उनके अंदर वही गाने, कुछ जो है वो पब्लिक ने सुने हुए, कुछ जो है वो आई थिंक मैं सरप्राइज ही रहने दूंगा, वरना वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा काम. तो आई थिंक इंतजार करें, बिकॉज वोकल एल्बम इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, सिंगर हैं, कोलैबोरेशन हैं. तो मुगले फंक की वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छी बात है कि मुगले फंक जो म्यूजिक बनाता है इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने कमर्शियल स्केल के ऊपर कितना पैसा बनाना है और किस तरह से काम करने ऑपरेट करने. मुगले फंक इज अबाउट डूइंग व्हाट वी लव एज अ टीम. और कहने का मतलब है कि उसमें हम सब वो कर रहे हैं जिससे हमें प्यार है. मैं क्लासिकल म्यूजिक कह रहा हूँ, काफी स्लिंग सितार, फरहान इज ऑन बेस, कामी पॉल इज ऑन ड्रम्स, वी डूइंग व्हाट वी लाइक. हम ये नहीं कर रहे कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके या प्रेशर में आके वो म्यूजिक बना रहे हो,
जिससे कि हम किसी को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, हम अपने आप को इम्प्रेस करते हैं, अपने आप को इंस्पायर करते हैं. एंड जस्ट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक हम काम करते हैं. एंड आई थिंक यही एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमारा म्यूजिक जो है वो लोगों के दिलों तक पहुँचता है और लोगों से कनेक्ट भी करता है. ठीक है, तो आपने ऑलरेडी बात की कि एल्बम आ रही है मुगले फंक के साथ, उसमें भी आप फिर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बात कर रहे थे, विच आई एम अज्यूमिंग वो विस्कोनी पे होगा. तो सोनी पे नहीं है, सोनी पे एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक है. दिस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाला जो ट्रैक है ये एक कोलैबोरेशन है विद अ बैंड और डीजे करते हैं बॉयज दोनों, एक शामन जिनका के नाम से इनका मोहम्मद शाह एंड उमेर अंजू, इनके साथ मिलकर के मुगले फंक के कुछ मेंबर्स ने फरहान अली एंड राकेश जमील माइसेल्फ एंड दीस टू पीपल वी हैव कम टुगेदर और हमने बेसिकली दो ट्रैक्स बनाए दिस ईयर. और एक तो हमने उस लाहौर म्यूजिक मीट पे परफॉर्म भी किया था जिसका बहुत ही एक खूबसूरत रिस्पांस आया और फिर डिसाइड कि हमें ये रिलीज करने चाहिए था. तो वेरी सून वन ऑफ द ट्रैक्स आउट ऑफ देम उसमें से रिलीज किया जाएगा. बिस्कोनी म्यूजिक ने भी ऑफ कोर्स मुगले फंक के साथ मैंने गाया, वो भी आ रहा है. दैट इज़ अ सूफी नंबर. तो मैंने कहा कि बहुत सी डाइवर्स तरीके का म्यूजिक मैंने किया है जो कि आपको काफी अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इसके साथ है, ये फिर शामिल के साथ है. ठीक है, ये बात होगी. आपकी कोई पर्सनल अपनी एल्बम का कुछ काम वगैरह है? अभी तो मैं सिंगल्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और सिंगल रिलीजेस पे काम कर रहा हूँ. थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बदल चुकी है अब. नाउ आई डोंट थिंक कि एल्बम कल्चर एक्टिव है और एल्बम्स काम करती हैं इन द प्रोसेस जैसे पहले किया करती थी. अब मेरे ख्याल में एक्सटेंडेड प्ले ईपीज वगैरह बाहर आती हैं, चार पांच गाने होते हैं. उसमें होता है कि आप जब सिंगल्स रिलीज करते हैं आप जरा लोगों को इंगेज भी रखते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है. तो बहुत सारे गाने इकट्ठे निकाल देना उससे उनकी शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है. तो एक सरप्राइज का एलिमेंट क्रिएट करके रखना जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए. अगर आप बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी रिलीज कर देंगे तो वो डाई डाउन कर जाती हैं. तो मेरे ख्याल में थोड़ा 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 करके अब ये सिंगल्स का कल्चर है तो यही कर रहा हूँ. इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके म्यूजिशियन के? फ्यूचर प्लान्स जो है ना वो यही होते हैं कि जहाँ अल्लाह ले जाए. हम तो अपनी डेथ को जो है वो रख रहे होते हैं यूनिवर्स के आगे. बट ये है कि हाँ होप के बाद अब ये एहसास होता है कि क्लासिकल म्यूजिक की नुमाइंदगी अब पाकिस्तान से बाहर करनी है, पाकिस्तान से बाहर इसका मैसेज पहुँचाना है और अपने मुल्क की खिदमत जो है वो एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पर उसकी नुमाइंदगी करके बाहर के मुल्कों में करनी. और बेसिकली पाकिस्तान को लेकर लोगों के जहनों में एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान में सिर्फ कव्वाली और सूफी म्यूजिक होता है, क्लासिकल नहीं है. क्लासिकल करने वाले मौजूद हैं, बहुत अच्छे करने वाले. सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को, प्रमोटर्स को चाहिए कि वो उनको भी आउटलाइन करें और उनको बाहर लेके आए, उनको उनको रिप्रेजेंट करें. एंड आई थिंक आई वुड लव टू प्ले माई पार्ट इन दिस प्रोसेस कि मैं क्लासिकल प्रोपगेशन और प्रमोशन को अब पाकिस्तान से बाहर करूँ. आपने एक बात की थी उसमें मुझे दिमाग में ख्याल आया अभी, ये क्लासिकल कव्वाली और सूफी में एग्जैक्टली फर्क क्या है? क्योंकि दे आर नॉर्मल लिसनिंग के लिए ये सिमिलर साउंडिंग होते हैं, तो ये थोड़ा सा बाबा बता दे. एक्चुअली अगर आप कव्वाली की बात करें तो कव्वाली इज द ओल्डेस्ट फॉर्म व्हिच डेट्स बैक टू मतलब अ लॉन्ग टाइम बैक. और बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि क्लासिकल बेसिकली कव्वाली में से निकला है, कव्वाली का ऑफशूट है. लेकिन बेसिकली ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कव्वाली की भी फॉर्म बदली है. कव्वाली पहले जो गाई जाती थी वो बहुत सारे क्लासिकल तालों में गाई जाती थी, क्लासिकल सिग्नेचर्स में गाई जाती थी. तो अब कव्वाली बहुत उस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, अपनी फॉर्म बदल चुकी है. क्लासिकल जो है ऑन द अदर हैंड दैट हैज ऑल्सो इवॉल्व और इसकी एवोल्यूशन बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर के गुजरी. यानी कि ध्रुपद म्यूजिक था, ध्रुपद म्यूजिक से निकल करके एक क्लासिकल मौसीकी बनी. क्लासिकल से निकल के आपको बहुत से उसके ऑफशूट्स नज़र आते हैं जैसे कि गज़ल है, ठुमरी है, दादरा है, सारी चीज़ें आपको नज़र आती है, एवोल्यूशन नज़र आती है म्यूजिक.
एंड सूफी म्यूजिक ऑफ कोर्स ये भी एक रीजन ओरिएंटेड म्यूजिक था, जिसमें कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक ऑलवेज, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में आपको बहुत से रिलीजियस श्राइन्स, दरबार, मज़ार, ये सब लोग, सब बुजुर्ग और इनका काम, इनकी टीचिंग, इनकी पब्लिकेशन, बाबा बुल्ले शाह, फिर शाह हुसैन साहब, फिर शाह भिखारी, और इनकी आपको चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, जिनसे कि क्या कहते हैं, सूफी म्यूज़िक जो है वो वजूद में आया। पाकिस्तान में ये ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई वुड से एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान सूफी म्यूज़िक में ज़्यादा लीड करता है। बट ऑफ कोर्स तीनों फॉर्म्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, क्लासिकल बीइंग अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड रूटेड फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, और बाकी दोनों आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल आई वुड से, लेकिन क्लासिकल काफ़ी इंडेंजर्ड है, इसको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। एंड आई थिंक पढ़े लिखे लोग जितना आगे आएंगे इसको करेंगे, साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से, उतनी इसकी नुमाइंदगी होगी। चले, थैंक यू एजाज भाई फॉर ऑल योर टाइम, मुझे बहुत सीखने को आपसे मिला, और मैं क्लासिकल सो आपसे बात करके थोड़ा शायद और एक्सप्लोर करूँ, तो आपका जो रोल है ये ऑस्ट्रियन क्लासिकल को आगे पहुँचाने का, नॉट ओनली इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, ये फिर ज़्यादा सक्सेसफुल होना नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।